क्लास 7th मैथ चैप्टर है आपका द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, अब हम इसके एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 11.11A। इन द फिगर ड्रोन एट द राइट, ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी इक्वल है और ये हमें लाइनें बना के दिखा दिया, बीच में 90 डिग्री का एंगल भी है। ए सी ए ई के इक्वल है, सी ई ए ई के इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए ई और सी ई इक्वल टू ए ई, यानी ये तीनों साइडें इक्वल है। ए बी सी 90 है, ये एंगल 90 डिग्री है। सी डी ई भी 90 है, सी डी ई ये भी 90 है। आइसोसेलस, आइसोसेलस जिसमें दो साइड इक्वल है, तो ये देखो ए एफ ई, इसमें दो साइड इक्वल है, तो फर्स्ट में आ जाएगा ट्रायंगल ए एफ ई। सेकंड इक्विलेटरल जिसमें तीनों इक्वल है, ए ई सी, तीनों साइड इक्वल है। राइट एंगल सी डी ई सी, ई डी सी राइट एंगल, राइट एंगल एंड आइसोसेलस सी बी ए, तो सी बी ए राइट एंगल भी और आइसोसेलस भी। अब देखना सी बी ए राइट एंगल है, तो जहां राइट एंगल पूछा वहां इसका नाम भी आएगा, तो राइट एंगल में दो हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। जहां आइसोसेलस पूछा वहां भी इसका नाम आएगा, तो फर्स्ट में भी दो हो जाएंगे, ए एफ ई और ए बी सी। तो ये फिगर देख के हमने ट्रायंगल्स के नाम लिखे, उनके सामने इनके ए बी सी और इस तरह से नाम आपको बताने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड। इसमें थर्ड एंगल पूछा है जिसकी जगह ए लिया हुआ है, तो ए लिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक ट्रायंगल दिखा दिया, एक एंगल एक्स है, एक 50 और एक 70। हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के 180 डिग्री है, यानी एक्स प्लस 50 प्लस में 70 इक्वल टू 180, एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 120, एक्स इक्वल टू 60, ये आंसर होगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में ए प्लस 65 प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस कर दिया, 180 माइनस 130, तो ए इक्वल टू 50 डिग्री आपका आंसर है। थर्ड पार्ट तीनों ही एक्स हैं, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक प्रॉपर्टी याद रखो, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के बराबर है। देखो ये एक्स है, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के, ये 50 और ये 70, तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री आपका आंसर। इसको दूसरे मेथड से भी समझ सकते हो, अगर इधर वाले एंगल को हम वाई ले लें तो ये वाई कैसे आएगा, 180 में से ये दोनों माइनस कर दो तो ये दोनों 120, 180 में से 120 तो वाई आ जाएगा 60 डिग्री, और एक्स प्लस वाई दोनों लीनियर पेयर है, 180 हो जाएंगे, तो एक्स के लिए 180 माइनस 60 तो एक्स हो जाएगा 120। तो ऐसे कर सकते हो, या सीधा सीधा अब एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर है तो 120 हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, इसमें कहा है थर्ड एंगल फाइंड आउट करो, दो एंगल दे दिए सेम ऐसे ही, क्वेश्चन थर्ड का एक पार्ट ही करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। कह रहा है दो एंगल 30 और 80 है थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल इक्वल टू 180 माइनस में इन दोनों एंगल का सम 30 प्लस 80 का, तो 180 माइनस 110 डिग्री मीन्स 70 डिग्री आपका आंसर है। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दिए हैं, थर्ड एंगल निकालने के लिए आपको इन दोनों को प्लस करना और 180 से माइनस करना। सेकंड पार्ट और दिखा देता हूँ, 180 माइनस ब्रैकेट में दोनों लिख लो, 40 और 40 दे रखे हैं, तो 180 माइनस 80 तो थर्ड एंगल आपका हो जाता है 100 डिग्री आपका आंसर है। इसी तरह से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपको पार्ट करना।
नेक्स्ट देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ईच ऑफ द फॉलोइंग, अलग अलग केस दे दिए। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, तो क्वेश्चन फोर, एक एंगल, कोई भी एक एंगल है आपके पास 90 डिग्री, क्योंकि राइट ट्राइंगल नाम दिया है, और उसमें एक दूसरा एंगल है आपके पास 63 डिग्री। फाइंड अदर एक्यूट एंगल, थर्ड एंगल पूछा है, तो थर्ड एंगल कैसे आएगा, ऊपर वाले की तरह 180 माइनस 90 प्लस 63, यानी 180 माइनस 153, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री आपका आंसर। कैसे पता लगा, इसने कहा राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 हो गया, राइट ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल 90 होता है, एक 63 दे दिया, थर्ड वाला पूछ लिया। थ्री एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, ये तो बिल्कुल ही ऊपर वाले की तरह से हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इसको दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं, तीनों इक्वल है, तो जैसे ये सेकंड करवाया था ऊपर वैसे ये करना है। वन एक एंगल 140 है और बाकी दोनों एंगल इक्वल है, तो ये करवा देता हूं मैं थर्ड वाला, एक एंगल 140 है तो 140 प्लस बाकी दोनों इक्वल है, तो दोनों को x और x ले लो, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 140 प्लस में x प्लस x, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 140, 2x इक्वल टू 40 डिग्री, तो x इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2 यानी 20 डिग्री आपके पास आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। फोर्थ की स्टेटमेंट देखो, वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, अनदर एंगल थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट को आप, स्मॉलेस्ट को x मान लो, फिर कोई एक एंगल तो सेकंड एंगल मान लेते हैं उसे, कोई एक एंगल ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट यानी 2x हो जाएगा, और जो अदर यानी थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल थ्राइस द स्मॉलेस्ट यानी 3x हो जाएगा, टोटल x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, 3 और 2 5 और 1 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 6 यानी 30, देयरफॉर फर्स्ट एंगल स्मॉलेस्ट x यानी 30 डिग्री, सेकंड एंगल 2x यानी 2 इंटू 30 60 डिग्री, थर्ड एंगल 3x यानी 3 इंटू 30 90 डिग्री, ये तीनों एंगल आपके हो जाते हैं। ठीक है बेटा, फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 80 डिग्री, तो एंगल वन को 80 डिग्री मान लो, अदर टू एंगल 3:7 है, तो हम लिखेंगे एंगल सेकंड को 3x मान लो और एंगल थर्ड को 7x मान लो, तीनों का सम एंगल वन प्लस में एंगल टू प्लस में एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 80 प्लस में 3x प्लस में 7x इक्वल टू 180, 80 प्लस में 10x इक्वल टू 180, 80 इधर आके माइनस, 10x इक्वल टू 180 माइनस 80, 10x इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ के बाद यहाँ कर रहा हूँ, सेकेंड एंगल टू 3x था तो 3 इंटू 10 यानी 30 डिग्री, एंगल 3 7x था तो 7 इंटू 10 यानी 70 डिग्री, ये आपके आंसर। क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट देखो, एक एंगल 2:3:4 है, तो एक को 2x मान लो, प्लस में कर दो 3x और प्लस में कर दो 4x और इक्वल टू कर दो 180 डिग्री, तो तीनों एंगल 2:3:4 था तो 2x 3x 4x मान लिया इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9 यानी 20 डिग्री, तो एंगल 1 2x था तो 2 इंटू 20 हो गया तो 40 डिग्री हो गया,
एंगल टू 3x था, तो 3 इंटू 20 हो गया 60 डिग्री हो गया। एंगल थर्ड 4x था, तो 4 इंटू 20 हो जाता है 80 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लेस देन द सम ऑफ अदर टू शो दैट ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। क्वेश्चन फिफ्थ, ईच एंगल लेस देन सम ऑफ अदर टू, मान लो एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस में एंगल सी, अगर दोनों तरफ एंगल ए ऐड कर दे तो एक और एंगल ए प्लस एंगल ए लेस देन, इधर भी एंगल ए ऐड कर दे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए लेस देन, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल ए लेस देन 2 इधर आकर डिवाइड 180 डिवाइड बाय 2, एंगल ए लेस देन 90, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से कम होगा तो क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल इज ए, क्या प्रूव करने के लिए कहा था, एक्यूट एंगल्ड, ट्रायंगल इज ए एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया। क्या क्या हमने, एक एंगल दो एंगल के सम से छोटा है वही लिखा हुआ है, एंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू, दोनों तरफ एंगल ए ऐड कर दिया, इन तीनों का सम 180, टू इधर आके 90, ए छोटा हो गया 90 से, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नाम हो गया। सेम ऐसे ही बी पार्ट में क्वेश्चन 5B, इसने कहा ग्रेटर एक एंगल दो के सम से बड़ा है, यानी इसमें एंगल ए बड़ा हो जाएगा एंगल बी प्लस में एंगल सी से, दोनों तरफ फिर एंगल ए ऐड कर दो तो एंगल ए प्लस एंगल ए बड़ा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी से, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बड़ा हो जाएगा 180 डिग्री से, टू इधर आगे डिवाइड, एंगल ए बड़ा हो जाएगा 180 बाय 2, यानी एंगल ए बड़ा है 90 डिग्री से, देयरफॉर ट्रायंगल इज ए, अगर बड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, किस टाइप का है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, पहला एक्यूट था ये ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन 6, यहां का है थ्राइज ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी, तो हमने क्या लेना है, बी और सी को एंगल ए की फॉर्म में ले लेना है, जैसे इन दोनों की ले लो, थ्राइज ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 ऑफ एंगल बी, तो 4 इधर आ जाएगा 3 बाय 4 ऑफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और इसी तरह से अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ले लें, थ्राइज ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी, 3 इधर, थ्राइज ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय 6 इक्वल टू एंगल सी, 3 1 जा 3 2 जा, यानी एंगल ए बाय 2 इज इक्वल टू एंगल सी, तो इससे क्या समझ में आया हमें, यहां कर रहा हूं मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ए की जगह तो ए रखो, बी की जगह लिखो 3 बाय 4 एंगल ए, और सी की जगह लिखो 1 बाय 2 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, सबका डिनोमिनेटर सेम करो तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 इस एंगल ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ऑफ एंगल ए प्लस 3 ऑफ एंगल ए एज इट इज, ये 2 है ये 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर को भी 2 से, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, 4 और 3 7 और 2 9, 9 एंगल ए इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 4, एंगल ए इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 2 जा 20, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, एंगल बी की कितनी आएगी, देखो क्वेश्चन में बी 3 बाय 4 ऑफ एंगल ए, तो एंगल बी इक्वल टू 3 बाय 4 ऑफ 80 20, 3 2 जा 60 आ गई एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी हाफ ऑफ एंगल ए यानी 80 डिवाइड बाय 2 यानी 40 डिग्री आपके पास आ जाती है एंगल सी की वैल्यू, तो ए 80 बी 60 और सी 40, ये आपके आंसर है, ठीक है बेटा।